हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं सी टेट ट्वेंटी फर्स्ट जनवरी का क्वेश्चन पेपर एंड आज हम सी पी का डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी के बारे में डिस्कस करेंगे हिंदी के आंसर की डिस्कस करेंगे एंड सो लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट यानी विकास का बाल विकास

तो डेवलपमेंट इज़ प्योरली क्वांटिटेटिव नहीं ये भी ये तीनों आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट तो विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है ये प्रॉक्जिमलो प्रॉग्जिमलो डेवलपमेंट और सिफिलो कॉर्डल आपने पढ़ा है तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो किससे प्रभावित होता है केवल था जहाँ भी केवल है केवल आपका गलत है तो दोनों है बहुत इन्वामेंट और हेरिडिटी आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्रेसिव क्लासरूम यानी जो प्रगतिशील कक्षा होती है कैसी होनी चाहिए तो इसमें क्या बोले केवल मूक श्रवण प्राथमिकता यानी बच्चे चुप रहे ऐसा हो नहीं ये भी गलत है यहाँ पे अधिगमकर्ताओं यानी जो लर्नर्स हैं उनके इंडिविजुअल डिफरेंस को क्या रिस्पेक्ट किया जाए तो इस सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लॉरेंस कॉलबर्क थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट ओबेइंग रूल्स टू अवॉइड पनिशमेंट रिप्रेजेंट्स आपने पढ़ा होगा रिवॉर्ड और पनिशमेंट का तो ये आपका प्री कन्वेंसनल स्टेज यानी पहला है आपका पहला स्टेज है पहला लेवल है ये आपका सही हो जाएगा प्रथा पूर्व चरण होता है तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द लर्निंग प्रोसेस अ टीचर्स शुड यूज स्ट्रेटजी विच एम्फेसिस ऑन तो ऐसे इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए अध्यापिका को ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए कैसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए जो जिसमें संकल्पों का प्रतिकरण जटिलता से सरलता की ओर नहीं जो अपसारी चिंतन नहीं है अपसारी चिंतन की प्राथमिकता दो यानी नहीं ये आपका अपसारी अब अबसारी अभिसारी चिंतन जो आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी एक ही चीज के बारे में बस सोचना एक ही तरीके से एक ही ऑप्शन के बारे में सोचना जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व तो दे तो आपका ये आपका रिलेशन जो करता है विभिन्न कॉन्सेप्ट में ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेव बायोग थ्योरी मेनली फोकसेज ऑन एक्सप्लेनिंग क्या एक्सप्लेन करता है इसमें आपकी कल्चरल टूल्स की बात की थी द रोर ऑफ सेकेंड ऑप्शन जो है आपका संगनात्मक विकास में संस्कृति उपकरणों की योगदान की बात की गई तो, है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग अ डिस्कशन ऑन क्रिकेट अ टीचर इज पोजिंग क्वेश्चन मोस्टली टू बॉयज़ एंड नॉट टू गर्ल्स दिस एक्ट दिस एक्ट ऑफ टीचर इज एन एग्जाम्पल ऑफ तो बेसिकली क्या है ये जेंडर बायसनेस है बेसिकली क्या कर रही है जो टीचर है वो क्रिकेट के वार्तालाप के दौरान अध्यापिका जो है ज़्यादातर किससे लड़कों से सवाल पूछ रही है तो ये क्या है जेंडर बायसनेस है जेंडर पक्षपात होता है तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको तो महत्व देती है तो एक बाल केंद्र यानी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया यानी एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज की बात करते सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कार्य यानी सोशलाइजेशन का जो प्राइमरी फैक्टर कौन सा है तो उसका जो इमीडिएट फैमिली होती है वही आपका राइट right आंसर हो जाएगा निकटस्थ परिवार जो होता है नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इन जीन प्याज़ थ्योरी ऑफ कॉगोनेटिव डेवलपमेंट कस्पॉन्ड टू द एज ग्रुप आपको ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको एज ग्रुप बताना है जो आपका uh, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जीन प्याजे का तो आपको पहला पता है कि जीरो टू टू होता है टू टू सिक्स सेवन होता है तो आपका जो आपका सेवन टू इलेवन है यानी थर्ड ऑप्शन है ये आपका आ जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में यहाँ पे तीसरा ऑप्शन विल बी करेक्ट ये आपका सात से ग्यारह साल हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतिविधियों और अलग अलग तरीक़ों से सीखते हैं यानी जो आपको पता है कि बच्चों में क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस है हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है तो आप अपनी कक्षा में आकलन के किस तरीके का प्रयोग करेंगे यानी योजना कैसे बनाएंगे जो असेसमेंट करेंगे आप जो असेसमेंट होगा वो डिफरेंट तरीके का होगा यानी एक जैसा नहीं होगा तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है आपका लैब आ के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाड़ प्रदान यानी स्केब फोल्डिंग जिसे कहते हैं स्केब फोल्डिंग जो आपका एज अ स्केप फोल्डिंग की तरह हेल्प करेगा पहाड़ की तरह हेल्प करेगा तो आपका जो इसमें राइट है हिंट देना यानी समस्या तीसरा ऑप्शन जो है समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाए तो उनको क्या करना हिंट देना ये आपका इशारा देना तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही यानी इंटेलिजेंस के बारे में कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है तो ऑप्शन uh, आपके देखिए इंटेलिजेंस कैन बी मेजर्ड ओनली थ्रू इंटेलिजेंस आई क्यू नहीं इंटेलिजेंस को आप बस आई क्यू के आधार पर नहीं मेजर मेजर कर सकते सॉरी नेक्स्ट है जेनेटिक्स प्ले जेनेटिक्स प्ले नो रोल ये आप भी नहीं भी नहीं कह सकते तो तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है इंटेलिजेंस इज मोर इन स्कूल में ही ही है। नहीं, है, है। तो आपका नहीं परफॉर्म करोगे चौथा ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक घोड़े को देख कर, एक तीन वर्षीय बालिका चकित होकर बोली वाह इतना बड़ा कुत्ता है यानी घोड़े को देख के बोल रही तो जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न किसका उदाहरण है अगर हम प्रतीकात्मक या सिंबॉलिक की बात करें तो ये आपका जरोम ब्रूनर कहा जाएगा तो आपका ये असिमुलेशन यानी समावेशन का ऑप्शन है आपका जिन प्याजी ने बात की थी तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेब एगोस्कीज आइडियाज लैंग्वेज एंड थाट्स दैट लैंग्वेज एंड थाट का जो ये बताया था इन्होंने तो इसमें क्या है कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देश करता है निर्देशित करता है भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं होता नहीं संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है यानी एक दूसरे से सहज है यानी सहज रूप से चलते हैं दोनों स्वतंत्र हैं तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा क्रिएटिविटी अमंग चिल्ड्रेन कैन बी फैसिलिटेटेड फैसिलिटेटेड बाय मतलब जो क्रिएटिविटी है सृजनात्मकता है किस प्रकार से सुसाध्य किया जा सकता है तो ये एक्सप्लोर करने के लिए प्रोत्साहित करके जो होता है तो आपका पहला ऑप्शन अन्वेषण को प्रोत्साहित करके आपका हो जाएगा डिसकेलकुलिया इज अ डायरेक्ट डायरेक्टली एसोसिएटेड तो ये आपका मैथमेटिक कैलकुलेशन से प्रॉब्लम होती है तो आपकी डिफिकल्टी इन लर्निंग ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट आपका फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यानी फोर्थ गणितीय संकल्पों को के अधिगम में कठिन कठिनता होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में यानी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटें के आरक्षण का प्रावधान है ठीक है इस छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस प्रकार किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए तो जैसे कि यहाँ पे साम साम्यता पर आधारित करना चाहिए आई थिंक ये ऑप्शन करेक्ट होगा इक्विटी वाला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम यानी समावेशी शिक्षा में इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंट जो सूचनाएं हैं है, किस प्रकार प्रस्तुत करनी चाहिए इसको मल्टीपल फॉर्म में प्रस्तुत करने यानी बहुल रूप से प्रस्तुत करना चाहिए क्योंकि डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट बच्चे होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है जो हैंडी बच्चे हैं डिसेबल्ड बच्चे हैं जिन्हें हम कह सकते हैं उनके लिए समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कही गई कि उनको भी सभी नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है तो जो अधिगम प्रक्रिया है क्या होती है जो अधिगम एक निरंतर एक कंटिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया होती है तो जो गलत है ये अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियाँ क्या हैं गलतियाँ अप्रासंगिक नहीं प्रासंगिक होती हैं क्योंकि ये बताती है कि सीखा जा रहा है अधिगम हो रहा है तो ये आपका गलत है इसलिए ये सही हो जाएगा तो बी आपका सेकेंड ऑप्शन आपका सही है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों को बारंबार यह बोलने की वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है किस संभावना को बढ़ावा देता है तो बच्चा क्या होगा बेसिकली वो निष्प्रेषित यानी डिमोटिवेट हो जाएगा तो पहला ऑप्शन ही करी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है तो जो समस्या समाधान कौशल है उसको समस्या को मानक प्रारूप में प्रस्तुत करके बढ़ाया जा सकता है या रिप्रेजेंटि प्रॉब्लम इन, इन आ, इस, आ, आपका स्टैंडर फॉर्म में या आपका यही ऑप्शन सही हो सकता है लेकिन अगर हम बात करें तो ये भी ऑप्शन क्या है समाधानों के वैकल्पिक तरीकों का मान करके ऑप्शन ऑप्शनल मतलब मल्टीपल वेज से भी हो सकता है तो आई थिंक सेकेंड ऑप्शन भी सही है थर्ड ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं पर हम फर्स्ट सेकेंड के साथ ही जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है टू टीच अ कंसेप्ट टू स्टूडेंट इन प्राइमरी ग्रेड्स विच ऑफ़ द फॉलोइंग सिक्वेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट यानी उपयुक्त कौन सा है प्राथमिक कक्षाओं के संकल्प अध्यापन हेतु तो।, तो इसमें आपका जो पहला क्या होता है कि आपको कोई भी ठोस ऑब्जेक्ट या कंक्रीट मटेरियल देना होता है फिर पिक्चर फिर सिंबल तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ठीक है फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा जिसमें आपको ऑप्शन क्या है मूर्त सामग्री चित्र और संकेत ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है प्रविड़ति अभिमुख अभिमुखमुखी अधिगम यानी वह वह अधिगम जो समझने पर जोर दे संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण कहना कैसा होना चाहिए आपका सहकारात्मक और सहयोगात्मक होना चाहिए आपका कैसा होना चाहिए कॉपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव कोलैबोरेटिव होना चाहिए यानी सहयोग योगात्मक होना चाहिए साथ मिलजुल कर सभी बच्चे रहें ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है अधिगम क्या होता है लर्निंग के संदर्भ में कौन सा जो कथन है वो सही है पूछा है आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा कि क्या है अधिगम एक जटिल प्रक्रिया जिसमें अधिगम करता है यानी लर्नर्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी होता है फिर आपता है नेक्स्ट क्वेश्चन अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में जो कंस्ट्र आपके जो सामाजिक या सोशल जो थ्योरी जो उन्होंने दी थी जैसे कि बायोगकी जो है इन्होंने इंटरेक्शन पे बात की थी जो लर्निंग कैसे होती है इंटरेक्शन पारस्परिक क्रिया तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सा युग्म घटक घटक जो फैक्टर है अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप नहीं है इसमें आपको आ, मैचिंग जो है वो कौन सा सही है वो पहचानना है तो आपका जो नगद पुरस्कार ये ये गलत है ये आंतरिक नहीं होता है इंटरनसिक मोटिवेशन जो आपके अंदर से आता है आंतरिक ये मोटिवेशन यानी क्यूरियोसिटी जो है ये आपकी आंतरिक है इसलिए ये सही है ये भी मिलान सही नहीं है ये भी नहीं है तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएंगे क्यूरियसिटी जिज्ञासा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को सुधा सुसाध्य ही तो एक अध्यापिका को चाहिए कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के लिए क्या करना चाहिए कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करना चाहिए एक अध्यापिका को तो जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ज्ञात है उन दोनों के बीच क्या है रिलेशन जो प्रीवियस नॉलेज है उसको जोड़ने के मौके देने चाहिए अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपका क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं ये मोटिवेशन भी सामाजिक संदर्भ भी संवेद भी आपकी आई थिंक चारों ही ऑप्शन सही हैं तो आपके जो फोर्थ ऑप्शन जो होगा फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट ये आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा ठीक है तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आया होगा अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू